यूपी के जनपद संभल से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी के अधिकारी लगातार एक्शन में हैं। संभल डीएम की बड़ी कार्यवाही सामने आई है। शिक्षा के मंदिर में अध्यापिकाओं ने की लापरवाही तो होंगी कार्यवाही, संभल में सीधी नजर आई। स्कूल के डीएम के निरीक्षण में गुरु से मोबाइल पर गुरुजी खेल रहे थे कैंडी क्रश सागा गेम। 2.5 घंटे तक मोबाइल पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चलाते रहे गुरुजी। डीएम ने गुरुजी को कर दिया सस्पेंड। संभल के शरीफपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय समय में गुरुजी मोबाइल में गेम खेलते पाए गए। डीएम ने डिजिटल माध्यम से चेक किया मोबाइल, जांच में 2.5 घंटे तक मोबाइल का इस्तेमाल करते पाए गए। शिक्षक प्रेम गोयल मोबाइल चलाने के मामले में शिक्षक पर गिरी गाज। गांव शरीफपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षक प्रेम गोयल ने 6 घंटे की ड्यूटी के दौरान 3 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल किया, जिसमें 1.17 घंटे कैंडी क्रश गेम खेला। जिलाधिकारी राजेंद्र पैंसिया के आदेश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया। प्राथमिक विद्यालय में जो विद्यालय की निधि है उससे काम चल रहा है। यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह से इस विद्यालय का कायाकल्प करना है, किंतु प्रधान जी सहयोग नहीं कर रहे थे, तो अभी मैंने वीडियो कॉल इनको निर्देशित कर दिया है सचिव को कि वो अच्छे से कार्य करें। अभी मैंने सभी शिक्षकों की एक एक कॉपी भी चेक की, क्योंकि मैं एक घटना के अंतर्गत इस विद्यालय में आया, रास्ते में ये विद्यालय पढ़ रहा था। तो सबसे ख़राब लगा कि जो शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य है वो है बच्चे को करेक्ट करना, उसे सही करना। तो जब तक उसकी गृह पुस्तिका, उसका होमवर्क अच्छे से नहीं जांचेंगे, तब बच्चा भविष्य में त्रुटियां करेगा और वो अच्छे से सीखेगा नहीं। इससे बच्चे में जो क्वालिटी है, जो मिशन प्रेरणा का हमारा मुख्य लक्ष्य है, वो नहीं आ पाएगा। अभी मैंने देखा कि एक पृष्ठ में कुल 9 त्रुटियाँ। अब आप सोच के देखिए, जब शिक्षक इतनी त्रुटियां करेंगे तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो मैं प्रयास करूंगा कि जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं उन सभी को BSA के माध्यम से, DIS साहब के माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन मिले, और जो होमवर्क है वो भी शिक्षक अच्छे से चेक करें, क्योंकि यही आधार है, यही नींव है। दूसरी बात, जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं ये विद्यालय के अंदर मोबाइल न देखें। अभी एक शिक्षक ने हमें दिखाया, हमने कहा आप अपनी डिजिटल वेलबींग दिखाओ, तो जब मोबाइल देखा तो वो शिक्षक 8 बजे विद्यालय में आए हैं, अभी 2 बजे का समय हुआ है और लगभग 2.5 घंटे कैंडी क्रश सागा देख चुके हैं, वो खेल चुके हैं कैंडी क्रश सागा। उसके अतिरिक्त लगभग 1 घंटा और वो मोबाइल पर थे। तो सोच के देखिए 8 से 2 के बीच कितने समय मोबाइल पे शिक्षक जो रहते हैं वो सही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं ये विद्यालय का जो समय है उस समय के अंदर अपना शिक्षक का जो मूल काम है शिक्षण, उसके ऊपर ध्यान दें। तो सर मोबाइल पर बैन लगाया जाएगा? मोबाइल पर बैन नहीं लगाया जाएगा। मोबाइल आवश्यक है, लेकिन यदि इसका अपने व्यक्तिगत रूप से उपयोग करना है तो वो घर पे करें, विद्यालय में न करें। यहीं पर मैंने देखा एक शिक्षक और शिक्षिका बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से कॉपी चेक करती हैं। एक शिक्षक पाए, उनकी एक भी त्रुटि नहीं थी उसकी कॉपी में। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ शिक्षक बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो कुछ कुछ शिक्षक हैं यदि वो अपने आप को सुधार लें तो इस पूरे जनपद के अंदर शिक्षा का कायाकल्प हो जाएगा। मिशन प्रेरणा में हम नंबर 1 रहेंगे। हम पूरे विद्यालय को, पूरे संभल को, पूरे प्रदेश को निपुण प्रदेश बना सकते हैं। तो सर जो त्रुटियां पाई गई हैं क्या इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? वो इनको अभी केवल हम चेतावनी देके जा रहे हैं कि ये भविष्य में अपने आप को सुधारें और बच्चों के लिए काम करें। मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को 1 या 2 अवसर मिलने चाहिए। ये हमारे शिक्षक हैं, ये खुद निर्माता हैं, इनको एक अवसर दिया जाएगा। उसके उपरांत भी यदि त्रुटि करते हैं तो फिर मैं BSA साहब के माध्यम से कार्रवाई कराऊंगा, क्योंकि मैं नियमित रूप से कॉपी चेक करने नहीं आ सकता हूं। ये इन्हीं का दायित्व है, BSA का दायित्व है कि जब भी वो स्कूल की जांच करें तो अच्छे से एक एक चीज़ की जांच करें। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।